स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हकीम अजमल ख़ान में। उम्मीद करता हूँ सभी भाई खैरियत होंगे। दोस्तों आज आपकी खिदमत में एक बड़ी शानदार और ज़बरदस्त चीज़ लेकर हाजिर हूँ। आज ज़ाफ़रान के बारे में बात करेंगे। हर कोई बंदा वाकिफ होगा ज़ाफ़रान क्या चीज़ है और कैसी ताकत रखती है। अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो ऐसी ताकत रखती है कि अगर अकेली इसको खाया जाए तो इंसान को ये जवान कर देने वाली चीज़ है। इंसान के अंदर खून की इतना बनाती है कि आप कितनी भी हम बिस्तरी करें इतना मादा मनी बनेगा कि आपको ज़िंदगी भर कमी नहीं आएगी। तो ताकत और कुव्वत के लिहाज से बहुत शानदार चीज़ है और बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे लोगों के लिए तो बड़ी शानदार है जो शौकीन है अपनी बीवी के पास जाने के और बार बार जाने के शौकीन है, तो उन लोगों के लिए तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन जरूर दबाएँ जिससे आपको हमारी नई और ताज़ा वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ ही आपसे गुजारिश है कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो किसी मकामी हकीम से राय मशवरा कर लें, मिजाज का चेकअप करा लें और दूसरे लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो, क्योंकि जितने लोगों तक पहुंचेगी और अगर किसी को फ़ायदा होता है तो इसका सवाब आपको भी मिलेगा, क्योंकि ये एक सदका जारिया है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इसमें सिर्फ आपको ज़ाफ़रान लेनी है और एक और चीज़ लेनी है। तो करना आपको क्या है, सबसे पहले दो माशा की मकदार में ज़ाफ़रान ले लें, पंसार से अच्छी क्वालिटी की आला दर्जे की ज़ाफ़रान ले लें और इसको अच्छी तरह कूट ले, पाउडर बना ले, ठीक है। इसके बाद दो माशा ज़ाफ़रान लेने के बाद आपको लेने हैं बहमन सुर्ख। बहमन सुर्ख एक जड़ी बूटी है जो इंसान के मादा मनी को गाढ़ा करती है और तेज़ी से उसको बढ़ाती है। ऐसी चीज़ है जो इंसान बिल्कुल ख़त्म हो चुका है उसको दोबारा से जवान कर देने वाली चीज़ है। तो दो तोले की मकदार में बहमन सुर्ख ले लें, उसका पाउडर बना लें और दोनों को फिर एक जगह कर लें, मिक्स कर लें। इसके बाद आपको करना क्या है, इसमें 10 तोले की मकदार में शहद डालना है। शहद कोशिश करें कि आपको ओरिजिनल मिल जाए, ओरिजिनल शहद अगर मिल जाएगा तो बड़ा नफ़ा होगा, बड़ा फ़ायदा होगा और जल्दी फ़ायदा होगा। तो इसको शहद में डालकर कम से कम 2 से 3 हफ्ते के लिए छोड़ दें और इसके बाद आप 2-3 हफ्ते के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसको आधी चम्मच रात को सोने से पहले दूध के साथ इस्तेमाल करें। मलाई वाला दूध हो, दूध मलाई वाला ही इसमें चलेगा, ज़्यादा मलाई हो दूध कम हो उस दूध के साथ इस्तेमाल कर लें, फिर ताकत देगी इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, अपना खूब सारा ख्याल रखें। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।